हाय एवरीवन काफ़ी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम रेगुलर यूज़ के लिए क्या सोप इस्तेमाल कर सकते हैं तो जब मैं उन्हें कहती हूँ कि आप डव यूज़ कर लीजिए या पेयर्स यूज़ कर लीजिए तो उनका अगला सवाल यही होता है कि डव और पेयर्स में से कौन सा यूज़ करें तो अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास टाइम है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाएं जिसमें मैं आपको डव और पेयर्स के डिफरेंस समझाऊं और उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या बातें आपको दोनों सोप्स के बारे में पता होनी चाहिए ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको इन दोनों में से क्या सोप यूज़ करना है तो सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात एक सोप के बारे में बताना चाहती हूँ जब भी आप ख़रीदते हैं हैं, सोप तो सोप का बेसिक एक्शन है कि वो डर्ट रिमूव करे हमारी स्किन पे हम सबकी स्किन पे एक एसिड मेंटल होता है जिसका मतलब है कि स्किन के ऊपर एक लेयर है एसिड की जो हमारी स्किन को आ, प्रोटेक्ट करती है उस एसिड मेंटल में ही सब डर्ट होता है और हम वो एसिड मेंटल अगर रिमूव करें सोप से तो उसी से हमारा वो डर्ट रिमूव होगा तो आ, हमारी स्किन का जो एसिड मेंटल है उसका पी होता है फाइव तो आ, क्योंकि थोड़ा सा वो न्यूट्रल पीएच एच सेवन होता है तो सेवन से कम कुछ भी पीएच होगा तो वो थोड़ा एसिडिक होगा और इस आ, स्किन का पीएच 5.5 है तो अब अगर हमें वो डर्ट रिमूव करनी है तो आ, जाहिर है कि हमें कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है जो थोड़ा एल्कलाइन हो जिसका पी एच 5 .5 से ज्यादा हो ताकि वो सारा डर्ट रिमूव हो सके तो जो भी हमारी स्किन पर सीबम होता है वो लेयर होती है जो सोप से रिमूव होगी और उस लेयर को रिमूव होने के साथ साथ ही हमारे Dirt भी रिमूव होगा तो अब हम पी की बात कर, करते हैं सबसे पहले तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि आ, ये आ, सोप है। तो अब का और आ, ये पियर्स है मेरे पास तो का ये सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि पी में ये कैसे अलग हैं। तो डव का पी है सेवन और पेयर्स का पी है नाइन पॉइंट एट तो जितना पी ज़्यादा होगा उतना सोप एल्कलाइन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पी होगा तो वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी कर सकता है आ, ऐसा आ, आ, सोप मैन्यूफेक्चर uh, करने वाले क्लेम करते हैं कि uh, हमें बहुत ज़्यादा भी पीएच की जरूरत नहीं है लेकिन उसके साथ ही ऐसे भी कुछ स्टडीज़ हैं uh, जो ये बताती हैं कि एक्चुअली uh, में पीएच uh, का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है सोप्स uh, uh, का डिसाइड करने में कि वो कितने सॉफ्ट uh, होंगे हमारी स्किन के लिए तो uh, अगर हम पी की बात करें तो डव जिसका पी एच है वो इट इज़ मोर न्यूट्रल पी एंड विच इज़ वाई वो ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ सेफर इट इज बेटर फॉर योर स्किन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटीरिया जो आ, होगा कोई सोप खरीदते समय अगर हम एक मॉइस्चराइजिंग सोप खरीद रहे हैं तो वो ये कि आ, उस सोप के अंदर क्या ऐसा डला है जिसकी वजह से उसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं तो ऐसे में पेयर्स के अंदर आ, ग्लीसरीन है ग्लीसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है ह्यूमेक्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन पर लगाने से वो आपकी बाहर के एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगी और आपकी स्किन को मॉइस्ट रखेंगी और ह्यूमेक्टेंट आपकी स्किन की डीपर लेयर से भी मॉइस्चर लेके आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल रखेगा तो ह्यूमेक्टेंट बेसिकली आपकी स्किन को ड्राई होने नहीं देता और क्योंकि पेयर्स के अंदर नाइन्टी एट ग्लीसरीन है तो पेयर्स बहुत ही अच्छा सोप रहेगा ड्राइनेस हटाने के लिए और लंबे समय तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा अब अगर डव की बात करें तो डव के अंदर एनिमल फैट है ऐसा जब मैंने डव के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा था तो कहीं इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो हम कहें कि जो मॉइस्चराइजेशन के लिए आ, दिया गया है तो इसमें आ, आ, मुझे ढूंढने पर यह मिला कि इसके अंदर एनिमल फैट है और एनिमल फैट की वजह से यह इसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं विच ऑल्सो मीनस कि ये हंड्रेड परसेंट वेगन नहीं है ये सो और नेक्स्ट अगर हम बात करें एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो आजकल कॉमन है जो हर कोई जिसके बारे में बात कर रहा है थर्ड क्राइटेरिया वो है एसएलएस यानी कि सोडियम लॉरल सल्फेट तो काफ़ी चर्चा में है कि लोग कहते हैं हमें एसएलएस फ्री शैम्पू यूज़ करना है एसएलएस फ्री सोप इस्तेमाल करना है एसएलएस uh, के बारे में यानी सोडियम लॉरल सल्फ़ेट के बारे में ये काफ़ी बोला गया है कि ये ड्राइनेस कर सकता है एक कर सकता है सोडियम लॉरल सल्फ़ेट से कुछ स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि कैंसर हो सकता है जबकि अभी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है तो अब पेयर्स और डव में क्या फ़र्क है एस को लेकर पेयर्स में एस है पेयर्स एस फ्री नहीं है और डव में एस नहीं है एस एस क्यों डाला जाता है सोप में एस एल एस सोडियम नॉरल सल्फेट उसका डिटर्जेंट uh, एक्शन और उसका लादर प्रोड्यूस करता है कि वो सोप या वो शैम्पू कितनी झाग बना पाएगा वो एस एल एस की वजह से होता है तो एस एल एस पेयर्स में है तो डव में वो क्या है जिसकी वजह से uh, डव में झाग बनेगी वो है सोडियम आइसोथियोनेट अब सोडियम आइसोथियोनेट बिल्कुल अलग है एस से और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू एस अब चौथा क्राइटेरिया जो जिसकी जिस पर हम डिसाइड करेंगे पेयर्स और डफ को वो है एलर्जिक पोटेंशियल तो एलर्जिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो पेयर्स काफ़ी हद तक नेचुरल चीज़ों से बना है एक्सेप्ट एसएलएस बाकी सारी चीज़ें उसमें नेचुरल हैं तो साइंटिफिकली पेयर्स का एलर्जिक पोटेंशियल काफ़ी कम है कंपेयर टू डव जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें केमिकल्स हैं और नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पेयर्स और डव को लेके वो है डिटर्जेंट एक्शन तो हमने लादर की बात की और एक डिटर्जेंट एक्शन जो एक अलग चीज़ है तो डिटर्जेंट एक्शन पेयर्स का है सोडियम कोकोएट की वजह से सोडियम कोकोएट बनता है कोकोनट ऑयल से और अगर डव की बात करें तो उसका जो डिटर्जेंट एक्शन है वो सोडियम पामिटेट की वजह से है जो कि थोड़ा एक केमिकल है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फर्क है और उसके अलावा अगर हम एक सोप खरीद रहे हैं तो कुछ और चीज़ें जो हम ध्यान में रखते हैं जैसे कि सोप की फ्रेगरेंस या सोप की कॉस्ट तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेगरेंस की अगर बात करें तो पेयर्स के अंदर फ्रेगरेंस है रोजन की वजह से जो आ, पाइन ट्रीज से लिया जाता है ये बहुत अच्छा कॉमन फ्रेगरेंस है इससे काफ़ी एसेंशियल ऑयल्स भी बनते हैं इसे अरोमा थेरेपी में भी इस्तेमाल किया जाता है और अगर हम डव की बात करें तो डव की फ्रेगरेंस है मेल्टोल की वजह से और मेल्टोल भी एक और इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये भी एक नेचुरल चीज़ है जो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है और कॉस्ट की बात करें तो पेयर्स डव के मुकाबले थोड़ा सस्ता है तो आ, अब अब आप सोच रहे होंगे कि अल्टीमेटली हमें यूज़ क्या करना है हमें डव खरीदना है या हमें पेयर्स खरीदना है तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आपको सारे डिफरेंसेस दोनों सोप्स के समझा सकूं काफ़ी आपको क्या ख़रीदना है वो आपका क्राइटेरिया हर किसी का अलग हो सकता है किसी को एस फ्री सोप ही खरीदना है किसी को वो सोप खरीदना है जो उतना महंगा ना हो किसी को वो खरीदना है जिसमें बिल्कुल भी एनिमल फैट ना हो किसी को वो खरीदना है जिसमें केमिकल्स कम हो तो आपका आपके लिए क्या सोप सही रहेगा आपके क्राइटेरिया हम सबके अलग हो सकते हैं सोप चूज़ करते समय तो आई uh, होप ये वीडियो देखने के बाद आप डव और पेयर्स के बेसिक डिफरेंसेस समझ पाएंगे और आपको सही सोप चुनने में आसानी रहेगी